पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के पीसीबी से एक बार फिर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाखुश हैं और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हेड कोच की तकरीर पर इख्तलाफात पैदा हुए हैं। ज़राए का बताना है कि पीसीबी ने शाहिद अनवर को अंडर 19 टीम का हेड कोच मुकर्रर किया है और इससे कबल पीसीबी ने इंजमाम उल हक की तजवीज़ पर मोहम्मद यूसुफ को कोच मुकर्रर करने की हामी भरी थी। इंजमाम उल हक के इससे कबल भी कई मामला पर इख्तलाफात पैदा हुए थे। ज़रा के मुताबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का चंद हफ्ते कबल ही 25 लाख रुपए माना पे 3 साल माहदा हुआ। इंजमाम उल हक ने अपने पसंद और शरायत के मुताबिक माहदा किया था। चीफ सेलेक्टर के करीब ज़रा के मुताबिक इंजमाम उल हक पीसीबी से अलग होने जा रहे हैं और इसके बारे में मजीद सोच विचार भी कर रहे हैं। मोहम्मद हाफिज़ टेक्निकल कमेटी की राय को अहमियत न दिए जाने पर पहले ही अलग हो चुकी हैं। उसके अलावा टेक्निकल कमेटी के हेड मिसबाह उल हक को भी अब दिलचस्पी नहीं रही है, उनका पीसीबी से वापस आ रहना मुश्किल है। मिसबाह उल हक इन दोनों आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए टीवी शो का हिस्सा है। इस हवाले से पीसीबी ने कहा है कि चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने गुज़श्ता रोज सिलेक्शन के मामला में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान वोमेन ए स्क्वाड्स के सिलेक्शन के मामला में शामिल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इंजमाम उल हक ने तमाम मामला में खुशी खुशी से हिस्सा लिया। इख्तलाफात और नाखुश होने की इतलात हमारे पास नहीं है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।